देखें जी, वेजिटेबल पुलाव, इसमें सबने देख ही लिया होगा क्या क्या है, मटर, आलू और गाजर। तो आज हम वेजिटेबल पुलाव बनाएंगे। अपने नए चावलों का जो आगाज़ है ना, वो हम वेजिटेबल पुलाव से ही करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये क्या हाल है सब बहन भाइयों के, ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबके रिज्क में उम्र में बरकतें अता फरमाए और बीमारियों परेशानियों से महफूज रखे। आमीन। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले सब बहन भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो फुल वॉच करें। जी तो डॉक्टर साहब, आज देखें जी नए चावल लेके आए हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला हर किसी को अता करे जी। साल भर के लिए चावल और गंदम घर में आ जाए ना, तो ये भी बहुत बड़ी एक नेमत भी है अल्लाह ताला की। सियाने कह लिए ना कि एक कहावत है पंजाबी दी कि जिन्हां दे घर दाणे उन्हां दे खमड़े भी सियाने। चलो जी, डॉक्टर साहब ने ये मिसाल यहाँ पे लगा दिया, तो अगर आपको लगता सही है तो ठीक है, कबूल कीजिएगा। तो ये मिसाल वैसे होती है वो पैसे वाले बंदे के लिए, तो लेकिन चले वो भी ठीक है कि जिसके घर में दाने हैं, जिसके घर में ये मिसाल, इसका जो है ना मफहूम ये है कि जिसके पास कुछ होता है ना, कोई बंदा आता है उसके पास, वो उसकी आओ भगत जो है बड़े अच्छे तरीके से कर लेता है, तो जिसके पास नहीं होता उसके पास उससे कोई कमी रह जाती है तो उसे लोग बातें करते हैं, तो बात वही आ जाती है। फिर वो बात आ जाती है कि जिसके घर में दाने उसके कमले भी से आने, क्योंकि जिसके पास कुछ होगा किसी को खिलाने पिलाने के लिए अच्छा, तो वो खिला सकता है। तो टॉपिक हमारा ये नहीं था आज, हमें बात हम भी हो रही है। तो ये देखिए जी, हम लेके आए हैं सुपर कर्नल के चावल। तो डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह करके खोलने लगे हैं। ठीक है जी, इस तरह तो आज हमने बनाने हैं चावल इंशाल्लाह। इसका नई बोरी का हम आगाज करेंगे, वेजिटेबल पुलाव बनाएंगे। पकड़ के दिखाएं, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, पका के देखते हैं कि कैसे हैं। अल्लाह करके निकालेगी चावल। हाँ हैदर पापा की हेल्प कर रहा है, हैदर कहता मैं पकड़ के रखता हूँ परात। तो ये गिलास के साथ ही हम फरमाइश करते हैं, ये हमारा स्टील का जो गिलास है ना, ये हम तीन गिलास निकालें तो हमारा एक किलो चावल पूरे हो जाते हैं। हम तो जब कभी देख भी पकाते हैं ना, तो मैं इसी के साथ चावलों की फरमाइश करती हूँ, 30 गिलास निकाल लें तो 10 किलो चावल हो जाते हैं। चावलों का थोड़ा आपने खोला ना, तो पकाने भी आप नहीं है। ठीक है, चलें। कौन सा मुश्किल काम है? चलें जी, महक फातिमा जब तक चावल साफ करती हैं, क्योंकि नए चावल है तो इनको हम ज्यादा टाइम भिगो के नहीं रखेंगे, हम रिस्क नहीं लेते कि पता नहीं, कुछ चावल होते हैं ना जो पानी कम लेते हैं, कुछ होते हैं जो ज्यादा पानी लेते हैं, ये मुख्तलिफ जगह का हिसाब होता है, तो हमें चूंकि अंदाजा नहीं है इसलिए हम नए चावल इनको ज्यादा टाइम भिगो के नहीं रखेंगे। तो महक के साफ करने तक, भिगोने तक हम ना अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। अल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज देखें जी डॉक्टर साहब चावल बनाने लगे हैं। ये आयल हमने डाल लिया जी। थोड़ा सा और डालें ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी प्याज ब्राउन हो गई है, तो अब थोड़ा सा पानी डालेंगे डॉक्टर साहब और ऊपर ढक्कन दे देंगे, तो प्याज गल जाए, डाल ला दें। ये पानी के लिए डालते हैं ताकि कलर निकल आए थोड़ा सा ना, ब्राउन कलर थोड़ा सा। हाँ बस यही समझ लें, और थोड़ा से ये ढक्कन देने से ना वो प्याज भी नरम हो जाती है, इस तरह से जब फ्राई करते हैं तो वो पकड़ जाएगी। हाँ ये देखें जी, शेफ हमारा चेंज हो गया, अब छोटा शेफ आ गया। पापा इसके के मरीज आ गए हैं, तो अब क्योंकि आग जल रही है तो ये तो हम स्किप नहीं कर सकते। हाँ, हरी मसाले अब डालने लगी है जी मेरे पास। अब जी मैं फातिमा सब्जियां शामिल कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी पानी उबल गया माशाल्लाह, सब्जियां भी यकीनन गल गई होंगी, आजकल तो सब्जियां बड़ी अच्छी होती है ना। सब्जियां
सब्जियों का मौसम है, जल गए आपके नजदीक ना रखा। अच्छा चले जल्दी करें, पानी उबल गया बड़ी देर। नहीं ऐसे नहीं डालें, नीचे पानी होगा प्रात में, वो पानी ज्यादा हो जाएगा फिर ऊपर से उठा उठा के डालें चम्मच के साथ पानी, ताकि नीचे रह जाए थोड़ा बहुत है। चावल बनाने मैंने सिखाए हैं अब आपको, बहुत मेहरबानी। फिर आप कहते हैं मुझे सारा कुछ आता है, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। एक मिनट देख लेने देना, चलें जी चावल हमारे तैयार हो गए जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी देखें बहुत अच्छे चावल लग रहे हैं। ये देखें जी माशाल्लाह सारे खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, चावल माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं। हमने चेक ही किए हैं आज लाके, क्योंकि दुकान वाला ये कहता है कि आप बोरी खोल के चेक कर लें, अगर सही लगे तो रख लेना, ना लगे तो वापस कर देना। तो हमने चेक किया तो माशाल्लाह बड़े अच्छे चावल बने। कैसे बने महक? बहुत अच्छे आपके पापा ने बनाए हैं। ठीक है जी, फिर आप हम लोग खाना खाते हैं तो आप हमें इसके साथ इजाजत दें। इसके साथ दें हमें इजाजत, तो वीडियो जो है ना उसको सब्सक्राइब करना ना भूला करें और फुल वॉच किया करें। अल्लाह ताला सबका हामी और नासर हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें और वीडियो पूरी देखा करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।